अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को। तो गाइज़ आज मुनासिब सा वक्त लूँगा आपका, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सोच रहा था गाइज़, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि हमारे यहाँ बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे निकल गए हैं, तो सोचा कि हम दाने में क्या क्या दे रहे हैं अपने कबूतरों को वो आपसे शेयर कर दूँ। ये मल्टी विटामिन कह लीजिए ना, ये देखिए गाइज, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें मक्का है, सरसों है, चने हैं गाइज, और ये कबूतर ये खड़े हैं। बच्चे वाले कबूतर तो देखिए हमेशा ही भूखा रहता है, इसमें कोई दोराई नहीं है, मगर जब हमने इन्हें पाल रखा है और इन्हें इस पर्पज़ से पाल रखा है कि इनके जो बच्चे होंगे वो हमारे यहाँ उड़ेंगे, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इनकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल होगा। इसलिए सुबह रोटी डली हुई है इन्हें, और सलमान ने डाली थी मगर बहुत बड़ी बड़ी करके डाल दी जो कि अच्छा नहीं है। ये देखिएगा, हम ऐसी जगह दाना डालते हैं, पहले तो सफाई कर लेते हैं वहाँ की और फिर दाना डालते हैं गाइस वहाँ पे। और ये देखिए, इन्हें सुबह भी चुका दिया गया है, अब 3 घंटे बाद मैं आया हूँ, तो 3 घंटे बाद मैंने डबल से दाना डाल दिया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये तो डबल डबल दाना पानी मांगते हैं, तो डबल डबल दे देते हैं, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। और पानी बिल्कुल फ्रेश मिलता है जी कबूतरों को। देखिए यहाँ पर बाल्टी रखी है, अभी शायद इसने भर के नहीं रखी। यहाँ पर समरसेबल की टंकी का पानी आता है हमारे यहाँ। ये देखिए, ये जो ड्राम वगैरह है ये भर के रख लेते हैं हम, अगर 4 मंजिल से पानी लाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा गाइस। अच्छे अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है गाइस 4 मंजिल छत चढ़ने में, चाहे वो बहुत अच्छा फिट हो चाहे कुछ भी हो गाइस, और एक बुज़ुर्ग तो बहुत बुरी तरीके से थक जाएगा। तो इन्हें फ्रेश पानी है, ठंडा पानी हो रहा है गाइस। दवाई में इस टाइम कुछ नहीं देते हम कबूतरों को, नॉर्मल गाइस, ज़्यादा दवाई लगाना कबूतरों को सही नहीं है, बहुत हानिकारक भी साबित हो सकता है। आप हर वक्त दवाई ना लगाए कबूतरों को तो बेहतर रहेगा। और ये देखिए गाइस, कबूतर ऐसा हो रहा है जैसे सुबह से चुगे ना हो, वैसे तो अभी 11-12 बजे का टाइम हो रहा है और बारिश का मौसम है गाइस, गर्माहट हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो भपका था गर्मी का वो बाहर निकल के आ रहा है गाइस। और ये देखिए, आबियों की नस्लें तारुफ करिए, जैसे कि किसी भाई ने कहा कमेंट बॉक्स में कि जो कि बसी के सुजात खां हैं उनके आबियों की नस्ल से अच्छी कोई नस्ल नहीं है। तो गाइस ये देखिए, ये सुजात खां जो है बसी के, ये उनकी नस्लें हैं सारी हमारे यहाँ आबियों की, सारी भी नहीं मगर है, मगर ज़्यादा तादाद में है। और मैं और शौक कराऊंगा, ये फिक्का भी गाइस वहीं का है, और ये आबी निकल के आ रहा है वो भी वहीं का है गाइस। आबियों का बहुत अच्छा रिजल्ट है ये भी, ये हम भी मानते हैं गाइस। और इन्हें हमने अपने कल्चरों से क्रॉस देंगे, अब की बार क्रॉस करेंगे, एक नई ब्रीड का तारुफ करेंगे कल्सिरा आबियों का मैच करके गाइस, क्योंकि ये कल्सिरा आबियों में बने हुए हैं। अब आपको ये बात थोड़ी सी नई, लोगों को नॉनसेंस ही लग रही होगी, बात क्या कह रहा है भाई ये कल्सिरों से आबी बने हुए हैं। हाँ तो गाइस, कल्सिरे में आबी निकलते हैं, हमने काफ़ी बार देखा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आबी बने हैं कल्सिरों में से कहीं ना कहीं कल्सिरों का टच है या काफरियों का टच है गाइस। तो आपको कभी शौक कराऊंगा, हमारे यहाँ कल्सिरे कबूतरों में आबी निकलता है, हो सकता है कि इनके माँ बाप जो हो वो आबी हो और आबियों में कल्चरे बने हो। ये देखिए गाइस, फिट एंड हेल्दी कबूतर, सबके नीचे बच्चे रखे हैं, वैसे कोई सा ऐसा खाना नहीं है जिसके नीचे बच्चे ना रखे हो गाइस। और ये देखिए आप, आपको नस्लों का तारुफ नहीं, बस थोड़ी सी मल्टी विटामिन हम क्या क्या दे रहे हैं अपने कबूतरों को, कैसे ट्रीट कर रहा है गाइस, बस वही सब दिखा रहा है गाइस। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आप इसका सिम्टम्स देखिए कि बच्चों का पोटे पहले से भरे हुए हैं, तो इस बात से ये अंदाज़ा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि ये कबूतर पहले से ही चुक चुके। ये देखिए गाइस, आप कबूतर के बच्चों के पेट भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए, आप खुद बता दीजिए गाइस। ये देखिए आप, आपको मैं दिखा दूँगा, यहाँ पर बच्चा निकला है, ये देखिए सब भरे हुए, पोटे तो पूरे भरे हुए गाइस कबूतरों के बच्चों के। और उम्मीद करते हैं एक अच्छी ब्रीडिंग की। ये देखिए गाइस, पोटे भरे हुए हैं और फिर भी कबूतरों को हम चुगा रहे हैं ताकि भूखे ना रहे गाइस बिल्कुल भी। और मट्टी डालते हैं हम, इन्हें कैल्शियम डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं गाइस ताकि कबूतर हमारे फिट रहे और
बच्चे भी हमारे अच्छे ब्रीडिंग करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में और अच्छे कबूतरों के साथ और अच्छे शौक के साथ। गाइज बहुत अच्छी ब्रीडिंग चल रही है, बस आपसे दुआ है गाइज ऐसे हमारे साथ, मतलब क्या दुआ करते हैं गाइज कि आप ऐसी ब्रीडिंग चलती रहे और आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए ताकि आपको हम अपडेट देते रहें, जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही आपको बता रहे हैं। गाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और ब्रीडिंग बहुत अच्छी चलेगी, इससे बच्चे भी अच्छे होंगे, बीमार नहीं होंगे, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि जल्दी से बीमारी नहीं लगती इन मौसमों में, और लग जाती है कभी कभी आँख दुखने की और नज़ले की ज़्यादा बीमारी चलती है, तो इससे क्या होता है कबूतर ठीक हो जाता है, रिकवरी अच्छी होती है। इन सब बीमारियों की, छोटी छोटी बीमारियों की, तो कबूतर अच्छा हो जाता है और अक्टूबर नवंबर मतलब उड़ने के लिए तैयार हो जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में और अच्छे कबूतरों के साथ और अच्छे शौक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले गाइस।